Exercise 2.1, question number 1. Write the following in the form P upon Q. चलिए P upon Q के form में लिखना है इनको, तो आप सबसे पहले आप part देख लेते हैं. ये है आपका minus 2 whole raised to the power minus 3, right? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिव अगर पावर हो तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले इन पावर्स को आपने पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए जो हमारे पास लॉ था वो ये है कि अगर आपको इसे इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो आप बेस को, मींस जो भी ब्रैकेट में नंबर दिया गया है या बेस जो दिया गया है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो माइनस टू होल रेज टू द पावर माइनस थ्री, इसका माइनस टू का जो रेसिप्रोकल होगा, अभी इस वक्त ये माइनस टू अपॉन वन है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू, एंड पावर को पॉजिटिव कर दीजिए. आप चाहें तो ये पावर दोनों को अलग अलग देकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ ब्रैकेट में ही देकर इसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया है. तो आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं. माइनस वन को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड टू को भी आपको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मतलब होता कि ये थ्री पावर जो है वो सिर्फ वन के पास है, टू के पास नहीं है. लेकिन क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पावर दोनों नंबर्स को देनी है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन होल अपॉन टू इंटू टू इंटू टू. ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको थ्री टाइम्स किसी भी नंबर को ओरली मल्टीप्लाई करना आना चाहिए. ये सिर्फ मैं आपको करके बता रही हूँ. माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस वन, एंड दिस इज टू टू द फोर एंड फोर टू द एट. आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं. ये स्टेप लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया. P अपॉन Q रैशनल नंबर के फॉर्म में माइनस वन अपॉन ए. इसी तरीके से आप इसको करेंगे वन अपॉन फोर होल रेज टू द पावर माइनस टू. तो आप वन अपॉन फोर है इसका, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं फोर अपॉन वन, और सिंपली फोर अपॉन वन लिखना ज़रूरी नहीं, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन. क्योंकि आपको इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है तो आप इसे सिक्सटीन अपॉन वन लिख सकते हैं, राइट? इसी तरीके से आपका है माइनस फोर अपॉन फाइव होल रेज टू द पावर माइनस टू. तो आपको रेसिप्रोकल करना है इसका माइनस फाइव अपॉन फोर. याद रखिएगा रेसिप्रोकल करने में माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा, माइनस है तो माइनस आपके बेस के साथ रहेगा, राइट? जो आपको नेगेटिव साइन हटाना होता है वो एक्सपोनेंट का हटाना होता है, बेस का नहीं, राइट? तो अब आप माइनस फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करिए ट्वेंटी फाइव, एंड फोर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करिए सिक्सटीन. तो ये तीनों केसेस में आप आंसर देख रहे हैं कि आपका आंसर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया गया है.